हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मूंग के दाल का हलवा बनाएंगे बिना घी, मावा और चाशनी से। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को एक कढ़ाई में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। जब दाल अच्छे से कुक हो जाए, रोस्ट हो जाए, इसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी ग्राइंडिंग जार में। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। तो इसको मैंने इस तरह पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब एक किसी छलनी से इसको छान लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। तो छानने के बाद अब इसको फिर से हम कढ़ाई में डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो ये जब अच्छे से कुक हो जाए, इसके अंदर हम डालेंगे मलाई। तो यहाँ पे हम घी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 कप मलाई लिया है। तो आधी मलाई अभी डाल देंगे और आधी मलाई बाद में डालेंगे। तो अब इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाना है, 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया है अच्छे से, ये कुक भी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो लगभग 1.5 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। और दूध डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से कुक करेंगे और धीरे धीरे आप इसे देखेंगे कि ये पतला सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का हो चुका है पतला। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बची हुई मलाई। तो सारी मलाई अब डाल दी है मैंने इसके अंदर। अब इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। तो पहले तो ये सारी मलाई एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में अब इसको हमें लगातार चलाते हुए कुक करना है जब तक कि घी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब इसको हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो हलवा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी को। तो दोस्तों, हलवा रेडी है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में और इसको ऊपर से भी गार्निश कर देंगे बादाम से या फिर पिस्ता से। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।